गुड़ गुड़ करती हमारी गुड़कुन आ गई है। ओए होए होए होए, ओ माय गॉड, दिस इज गुड़ गुड़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान की सीरीज़। और आपने पिछली 3 से 4 एपिसोड के अंदर मेरा सफ़र देखा था, गिलगित बल्तिस्तान का जो बॉर्डर था शंदूर, शंदूर का पूरा पास करते हुए हम फंडर वैली गए, गोपिस गए, गिलगित आए, और गिलगित से हमने नलतर वैली का सफ़र किया। और नलतर वैली की मैंने क्या खूबसूरत जगह आपको दिखाई है। और इस वक्त मैं नलतर वैली के जो व्यू पॉइंट है टॉप के ऊपर खड़ा हूँ। अगर आपने नलतर वैली की एपिसोड नहीं देखी तो पिछली 2 एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। नलतर वैली की इस पॉइंट से जो इनका व्यू पॉइंट है, टॉप ऑफ दी नलतर कहते हैं इसको, 0 पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ से अब मैं वापस नीचे जाऊँगा, बाइक पकड़ूँगा और मैं जाऊँगा कुराकरम हाईवे की तरफ। और कुराकरम हाईवे से फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स हुंजा वाली रोड की तरफ। लेकिन हुंजा हम जाएंगे बाद में, हुंजा से पहले एक जीबी की एक और बहुत ही ब्यूटीफुल वैली आती है मिनापिन, बड़ा ही खूबसूरत गांव है। वहां पे मुझे लोकल होस्ट ने इनवाइट किया हुआ है, मैं उनके पास जाऊंगा और वहां का उनका कल्चर देखूंगा। स्पेशली वहां का फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, वो मैंने ट्राई करना है। तो भूख मुझे शदीद लग रही है, दोपहर का टाइम हो चुका है, अभी जल्दी से अपना जो है सामान पैक करते हैं और चलते हैं नलतर वैली से टूवर्ड्स मिनापिन। वो सामने आपको पहाड़ का टॉप नज़र आ रहा है, वहाँ से आया हूँ मैं नीचे वो उसके हम टॉप पे इस वक्त खड़े थे जहाँ से हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया है, और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। लो जी, यहाँ से जैसे नलतर की चेक पोस्ट आती है तो आपकी कारपेट वाली रोड शुरू हो जाती है, जिसको मैंने नाम रख दिया जी नलतर एक्सप्रेस। बिल्कुल ये बिल्कुल मरी एक्सप्रेस वे की तरह ही है, तो ये नलतर एक्सप्रेस वे। तो शाम होने को है और अभी देखते हैं जी कितना टाइम लगेगा मुझे मिनापिन पहुँचने में। क्या रिबन की तरह रोड बिछी हुई है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनी है रोड, और अकेला जा रहा हूँ मैं। देखें यार ये करता हुआ, वाह, बहुत टूरिज्म आने वाला है नलतर में। ये जो रोड इन्होंने बना दी है ना यार, बाइकर्स के लिए हेवन है ये नलतर की रोड। वाह, हाय 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 हाय, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी मैन। ऑलराइट जी, तो नीचे आते हुए नॉर्मल आ गया, और नॉर्मल से हमने अब कुराकरम हाईवे की तरफ होना है, नगर की तरफ। तो ये जो मिनापिन है ये नगर वैली के अंदर है, हुंजा नगर आपको पता है दोनों चलती हैं साथ साथ वैलीज। इधर यहाँ का एक बड़ी फेमस डिश है, जैसे हमारे कीमे वाला नान होता है ना, इनका यहाँ पे होता है छपशोरो। तो छपशोरो अगर कहीं नज़र आया ना तो वो भी आपको दिखाऊँगा। अच्छा, यहाँ से हमने हो जाना है लेफ्ट, जो हमें ऊपर लेके जाएगा केकेएच पे। ये मस्त, बहुत पसंद है मुझे ऐसी रोड जिसके दोनों तरफ पे ऐसे हरियाली हुई हो और दरमियान में आप रोड पे जा रहे हो। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग आने लगे हैं, एंटर होने लगे हैं केकेएच यानी कुराकरम हाईवे पे। ये चीज, कुराकरम हाईवे की एक अलग ही खुशी है यार, सीरियसली ये चेक करें, ये इसे कहते हैं रोड, इसे कहते हैं हाईवे। ओ माय गॉश, ओ हो हो हो, ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल व्यूज, और ये ब्यूटीफुल वैलीज हमारे नीचे। क्या ब्यूट तरह सामने पहाड़ खड़े हैं यार, ये
ये कोई बाजार आ रहा है जी, अभी जगलोट गुजरा है यहाँ पे, जगलोट एक उधर भी आता है, गिलगित के पास एक यहाँ पे भी है। अच्छा यहाँ पे काफ़ी रश है, आउटलेट्स हैं जहाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इधर छाप शोरो बना तो रहे हैं, लेकिन ना अगर मैंने छाप शोरो की खातिर इधर रुका ना तो लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अगले 2-3 दिन हैं इधर ही हैं, आपको यही तो दिखाना है और सब कुछ एक ही दिन के अंदर थोड़ी सब कुछ दिखा देना है। वेलकम टू नगर वैली। लो जी यहाँ से नगर वैली स्टार्ट हो जाती है, उंजा भी आगे आएगा। तो इस ले जी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा शाहरा रेशम, किस ज़माने में जो पैदल तिजारत हुआ करती थी, सिल्क रूट जिसको कहते थे, चाइना से लेके सेंट्रल एशिया और फिर आगे यूरोप तक वो जो सिल्क रूट हुआ करता था वो यहाँ से गुजरा करता था ऑब्वियसली, क्योंकि आगे चाइना का बॉर्डर है। वो ज़िगज़ैग करती हुई ऊपर जा रही है और वो जा रही है, इन पहाड़ों में से गुजरता हुआ तजारत हुआ करते थी यार, चेक करें, इसको कहते थे सिल्क रूट, फेमस। ले जी अब जो आपको ऊपर एक फुल वाइट फाउंटेन नजर आ रहा है बर्फ से भरा हुआ, दिस इज राक्तपोशी, ये बन रहे हैं जी छाप शोरो। कितने के जी छाप शोरो? 150। और अंदर इसके क्या होता है? कीमा किसका? बीफ का, याक का या बीफ का? याक का होता है। ये देखें जी कैसे बनाते हैं, ये देखें जी, ये तवे के ऊपर बनाता है, रोटी है, नान है और साइडों पे इन्होंने डिजाइन सा बनाया होता है। 150 का है। ये आटे को डिज़ाइन बना के अंदर इन्होंने याक का कीमा और साथ प्याज ये मिक्स किया होता है और साथ हम केचप के साथ खाएंगे। ओ क्या, पहले उल्टा रखा फिर। अच्छा ये चिपटा है, इस चिपटे से ये ऐसे चेक करते हैं। लेट हो गया हूँ मैं, 5 बजे पहुँचना था और 6 बज गए हैं, तो नगर की जो पहचान है वो राक्तपोशी है, यहीं से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ओके अब हमने राइट होना जी आगे, मिनापिन का कट आ गया, ये है जी पसान मिनापिन रोड ऊपर को जा रही है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। लेट्स गो, 4 किलोमीटर्स अब हम ऊपर जाएंगे मिनापिन विलेज में। कितना रह गया? अच्छा जी इधर फेमस एक होटल है ओशुथांग, ओशुथांग होटल है जो मिनापिन की काफ़ी पहचान है और इनका एक स्पेशल खाना है पकाने वाला, मुझे बहुत मज़ा आता है कहीं लोकल लोगों की तरफ से कहीं से इन्विटेशन आता है ना, और मैं एक मेन रोड से हट के जब किसी जगह पे एंटर होता हूँ उस चीज़ का एक अपना ही मज़ा है। अदरवाइज़ देखें आप, बंदा आता है सीधा क्रॉकर हाईवे से सीधा हुंजा और सीधा अताबाद लेक और बस हुजरा पास को हाथ लगा के वापस, यही मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ लोकल्स के साथ रब्ता हो और हम अंदर के गाँव और जो एक ऑथेंटिक लाइफ है ना वहाँ की, पुरानी कैसे लोग रह रहे हैं, स्पेशली इनके जो फूड हैं खाने हैं जो इनके घरेलू हैं वो। तो ये आ गया है पुल और बस पुल के हम आस पास ही हैं। चलें जी फाइनली पहुँच गया हूँ मैं एड्रेस के ऊपर और इधर ही मेरी होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हैं जी मीसा तालपुर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो गेस्ट हाउस है,
अच्छा, असल में वो नलतर में बहुत टॉप पे था, वो आते आते और फिर निकलते निकलते काफ़ी रोड भी काफ़ी ख़राब था, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। शी इज़ मीसा तालपुर। इन्होंने मेरे ट्रिप निकलने से पहले बाय चांस मुझे इन्होंने मेरी रान टर्की की सीरीज़ देखी थी और इन्होंने कहा कि जब भी आपने इधर आना हो तो आपने हमारे पास ठहरना है। तो मुझे जब मैंने इनके विलेज का नाम सुना ना, मैंने कहा बस इधर तो मैंने ज़रूर जाना, क्योंकि ये जो जगह हटके होती हैं ना, वहाँ पर फिर जाने का अपना ही मज़ा आता है। ये देखिए यार, ये है इनका गेस्ट हाउस, बहुत ही ज़बरदस्त रूम, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई, बहुत बड़ा कमरा है, वेरी वेल डेकोरेटेड। और आप देखें रग भी, मतलब प्रॉपर हाई लेवल का इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और बाहर आप व्यू देखें, हाय 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 हाय, ये है जनाब यहाँ की विलेज लाइफ मिनापिन की। और ये देखें कितनी क्यूट लग रही है, बच्ची बकरियों को खिला रही है यहाँ पे। मेरी होस्ट मीसा तालपुर का ताल्लुक तो सिंध से है, लेकिन पहाड़ों की मोहब्बत में अपने हस्बैंड के साथ अब नगर में राका पोशी के साय में शिफ्ट हो गई है। मीसा पाकिस्तान में बहुत सी माउंटेन लवर सोलो फीमेल ट्रेवल्स की इंस्पिरेशन है, और ना सिर्फ ये बल्कि मीसा ने जीबी की यूनिवर्सिटी से टूरिज्म में मास्टर किया और अब पूरे जीबी में फीमेल ग्रुप्स टूर्स भी कंडक्ट करती है और राका पोशी बेस कैंप की ट्रैकिंग में अब एक्सपर्ट बन चुकी है। जो मिनापिन की दूसरी पहचान है, यहाँ का औशुतंग होटल और उनके बड़ी ही ज़बरदस्त डिश जिसका नाम है गोरकन। तो ये गोरकन जो है ये मिनापिन की दूसरी पहचान है, और उसके लिए मैं मेरे साथ बैठे हैं इसरार भाई। शॉर्ट सा आपको जल्दी से बताता हूँ इसके बारे में, ताकि जब तक वो पक रहा है तब तक वो अंदर किचन में मैं देखे हैं, अभी रेडी हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पूछते हैं इसरार भाई से और वो डिटेल्स हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो आपका होटल है, इसका बड़ा यूनिक नेम है, औशुतंग। अब ये हम अगर लाहौर के रहने वाले हैं, हमें तो लगता है कोई चाइनीज़ का लफ्ज़ है, तो ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है? औशुतंग हमारा सकाफती नाम है, शाही मेहमान खाना हमारे अपनी ज़बान। अच्छा। यहाँ का जो ज़बान है आपकी ज़बान का बुरुशिस की हम बोलते हैं, यहाँ ज़्यादातर बुरुशो कबाइल। अच्छा। बसते हैं। अच्छा। अब चलते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि एक तो आपने होटल का नाम भी बड़ा ही यूनिक है और अपनी ज़बान के रखा, उसके आगे जो आपकी जो डिश है जिसके लिए स्पेशल मैं यहाँ पे आया हूँ और मीसा मुझे लेके आई है, उसका नाम है क्या है वो बताइए, वो क्या है? ये राका पोशी ईरान के अलावा जो मेरा होटल में मेन अट्रैक्शन है मीनापिन का, वो गोरकन बुरुशिस की ज़बान में गोर मतलब वो सिसलिंग आवाज़ आती है, गुर। अच्छा। उसके लिए गोरकन कहते हैं, कन हुआ हांडी, तो ये गुरकुन मतलब ये गुड़ करती हुई हांडी। अच्छा, तो ये बेसिकली जो गुड़ है ये साउंड की आवाज है, साउंड की आवाज, और कौन कहते हैं हांडी को? अच्छा, कदीम जमाने में यहाँ जब कराकोरम हाईवे नहीं था, ये सिल्क रूट जब हुआ करता था, रूट होता था लेकिन प्यादल लोग सफर करते थे, ये पूरा आइसोलेटेड जगह था। तो ये जो आपने बेसिकली जो ये जो हांडी वगैरह, ये इसको अगर मैं तारीखी लेके जाऊं पीछे, तो ये कितने साल पीछे जाएगा, ये कब से? हजारों साल पहले। वो ये बेसिकली इसमें कौन सा ऑयल, कौन सा मटन और कौन से मसाले? मटन जो है ना, मटन भी तकरीबन आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों पर चरने वाली बकरियाँ जो है। अच्छा। वो जड़ी बूटियाँ खाती हैं। जी, गुड़ करती हमारी गुड़कुन आ गई है। ओए होए होए होए, ओ माय गॉड, दिस इज गुड़। ओ हो क्या खुशबू है। बहुत थिक ग्रेवी है यार, ये तो मुझे लग रहा है जैसे पाए का शोरबा है। चलें जी, इससे पहले कि हमारी गुड़ की आवाज़ ख़त्म हो, हम ज़रा मैं ज़रा अपनी कोई फेवरेट सी इसमें से बोटी डालूँ। ओ हो यार, इसकी खुशबू ही डिफरेंट है, वो जो आपने कहा ना पहाड़ी बकरे वाला सीन है, ये एग्जैक्टली वही खुशबू है। आप जाएंगे ना ऊपर ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा वहां नजर आएंगे सारे जानवर सारे फिर रहे हैं, वही रहते हैं। दें जी आपने, ओए होए हाथ सड़ गया मेरा, ये तो वाकई बहुत गर्म है। अच्छा, ये तंदूरी रोटी है या वो तवे, वो जो बड़ी सी? अच्छा, उसके पीस करते, सही। फर्स्ट बाइट मैं देने लगा, ये तो बिल्कुल हलवे की तरह बना हुआ है।
ओह माय गॉड, ये पता नहीं मैंने स्पेशल बोटी ये वाली डाली है या बाकी भी है, मैं बाकी भी ज़रूर ट्राई करूँगा। ये तो बिल्कुल हलवे की तरह मुँह में, और ऐसी कोई यखनी वाला उसका टेस्ट आ रहा है मुँह में। नहीं भैया, दूसरी भी ऐसी है। अमेजिंग, ये बाकी पता लग रहा है इसका कुछ है असर इसमें। कमाल हलवा है ये, बिल्कुल ऐसे ऐसे है जैसे आप पूरी हलवा खाते हैं ना, ये आप रोटी के साथ ऐसा मटन पका हुआ है, आपको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी उसको खोलने के लिए। अमेजिंग, एमी नहीं मशहूर, और लिटरली मैं इधर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सबसे पहली चीज़ ही वो ये ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि मीनापिन की अगर एक चीज़ पहचान बन गई है तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ना कुछ है जो इसकी पहचान बनी हुई है। ऑल राइट जी, तो एक दफ़ा फिर मैं आ गया हूँ आपको लेकर ओशोथांग होटल के अंदर। कल रात को मैं इतना आपको डिटेल में दिखा नहीं सका, सुबह सुबह ज़रा रोशनी है तो मैंने कहा आपको ज़रा दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात कि जब मुस्तनसर सैन तारर यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने ही इस वैल्यू को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया थ्रू हिज़ ब्लॉग्स, जो कि उस टाइम की रिटर्न बुक्स हुआ करती थी, जो किताबें वो लिखा करते थे, और उन्होंने यहाँ इस जगह के ऊपर जब उन्होंने राखापोशी के ऊपर भी लिखी जगह और इस जगह को इंट्रोड्यूस कराया, तो बहुत ज़्यादा लोगों का टूरिस्ट का यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो इसरार साहब हैं उनका जो मोहब्बत है मुस्तनसर सैन तारर के लिए वो यहाँ पर डिपिक्ट होती है। इस एक पूरे के पूरे ब्लॉक का नाम, जो इनके सारे के सारे रूम्स हैं, इन्होंने उस ब्लॉक का नाम मुस्तनसर सैन तारर ब्लॉक रखा हुआ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप इनके रूम्स के नाम देखेंगे तो हर रूम का जो नाम है वो मुस्तनसर सैन तारर के जितने भी नॉवेल्स हैं, वो चाहे केटू कहानी हो, वो चाहे शमशाल बेमिसाल हो, वो चाहे हंजा दास्तान हो, या वो जितने भी रकापोशी और जितने भी उनके नॉवेल्स हैं, वो अगर आप देखें तो हर रूम का जो नाम है वो भी उनके नॉवेल्स के ऊपर रखा हुआ। और एक स्पेशल होटल है जिसका नाम स्पेशल रूम है एक जिसका नाम है तारा रूम। फर्स्ट आ गया हमारा, ओह माय गॉड व्हाट अ सर्विंग। ये है जी एग यंचरो, त्यान शोरो जी, इसका नाम है जी त्यान शोरो। हमारा नगर में जो ब्रुशो है उस जबान में शोरो जो है ना पाई को कहते हैं, पाई को। मसलन कोई किसी चीज के दरमियान कोई चीज सिर्फ सैंडविच होता है, पाई होता अच्छा, है जिस तरह छप शोरो, छप हो गया मीट गोश, शोरो हुआ गोश का पाई, वो मशहूर अच्छा, है पूरा गिदबर छप शोरो मैंने कहा अच्छा। वो यहाँ का है, नगर का मखसूस डिश। ऑलराइट, आलू शोरो जिस तरह मिसाल को पता है आलू इसमें दरमियान में डालते हैं, मुलो शोरो 20-25 शोरो बनते हैं, अंडे का शोरो है ये अच्छा। एक मतलब त्यान कहते हैं, त्यान कहते हैं एक को। अभी इसके अंदर क्या क्या आपने डाला है? ये टमाटो पेस्ट भी है, टमाटर पेस्ट है, प्याज का पेस्ट बना। ओके, अमेजिंग, स्वीट एंड सॉर जो टमाटर और प्याज की फ्लेवर है ना, और जो खुबानी की चटनी है, मैं ज़रा वो भी ट्राई करूँ। ये तो वाकई प्योर है, इसमें तो इसकी मिठास इसकी अपनी है, जैम नहीं है ये, बहुत मज़ेदार। ऑल राइट जी, सो दैट वाज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगु इसरार भाई के साथ रही। जब भी आप इधर आएँ गिलगित बल्तिस्तान तो मीनापिन के इधर ओशोथोंग रेस्टोरेंट और ओशोथोंग होटल, जैसे मैंने आपको सारा दिखाया, यहाँ पे ज़रूर स्टे करें। और अभी एक इनका बड़ा ही खूबसूरत आपको परिंदा नज़र आता है थ्रू आउट, जब भी आप जीबी में आ रहे होते हैं तो इनका एक तरह का आप कौवा देख कह लें, जिस तरह हमारा नॉर्मल कौवा नज़र आता है उसी तरह का, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। और क्या नाम है उसका हमीशा? उसको कहते हैं गशफ, यहाँ की लोकल ज़बान में गशफ। ठीक है, आप ये देखें वाइट और ब्लैक कलर का है, लंबी सी इसकी दुम होती है, बड़ी ही खूबसूरत। हाँ, और इसके पर हैं, इंग्लिश में इसको मैग पाई कहते हैं, मैग पाई कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो उसमें इसकी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि ये जब इधर अखरोट का सीज़न आता है और अखरोट यहाँ पे लोग तोड़ के उसको ड्राई करने के लिए डालते हैं तो ये आके जो है वो अटैक करता है, और मुकामी लोग इसे जो है ना बड़ी हेट करते हैं यार, कि वो उठा के जो है वो भाग के ले जाता है। लाका पोशी एक
अच्छी चीज़ है क्योंकि फिर वो उसको सर्दियों के लिए कहीं दबाता है जाके अच्छा, जमीन में कि मैं बाद में खाऊंगा और फिर वो भूल जाता है और फिर वहाँ से दरख्त भी निकल आता है। जबरदस्त। तो चलें जी, हम यहाँ से अपने बैग शेक पैक करते हैं और रकापोशी का जो विलेज है मिनापिन, इसको गुड बाय करते हैं। ऑल राइट जी, सो दैट वाज अ वंडरफुल स्टे एट अल्पाइन गेस्ट हाउस। ये भी बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह बैकपैकिंग हॉस्टल के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। एंड मीसा हेल्प मी सो मच इन माय स्टेज और फूड वगैरह जो सारा इन्होंने मेरे लिए इधर अरेंज किया था। थैंक यू सो मच मीसा, आई विल डेफिनेटली कम अगेन। जब ये येलो हो जाएगा इंशाल्लाह मैं सर्दियों में एक दफ़ा दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो 9:15 हो गए ऑलमोस्ट, तो निकलना हमने अभी अपनी ऑडियंस लेके अहमदाबाद की तरफ। सो सी यू इंशाल्लाह सून। जब भी लाहौर आओ तो ज़रूर आपने रब्ता करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो ये था मेरा सफ़र गिलगित बल्तिस्तान की वैली नगर में। अब थोड़ी सी राइड करने के बाद मैं एंटर हो जाऊंगा जीबी की सबसे फेमस वैली हुंजा में, लेकिन वो देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में। देखते रहिएगा बींग अ ट्रैवलर।